नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अगर सत्यपाल मलिक की बात करी जाए तो हम बीते दिनों से लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल सत्यपाल मलिक ने जो बीजेपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, क्या उन पर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि सीबीआई की तरफ से दरअसल कथित भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से सत्यपाल मलिक को समन भेजा है और ये समन मौखिक तौर पर भेजा है। हालांकि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन केजरीवाल से लेकर तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देखिए, सीबीआई और ईडी के पीछे कायर छिपा है जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता है, लेकिन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन पर आरोप लगा रहा है, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब क्या ये माना जाए, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले वक्त में सियासी राजनीति किस तरीके से चलेगी, किस तरीके से 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा और क्या मोदी सरकार को इसका एक बड़ा नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अडानी वाले मुद्दे की अगर बात करी जाए तो उसे राहुल गांधी संसद में उठाते हैं, लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाती है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, पीएम मोदी की डिग्री को लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अगर इस मुद्दे को उठाते हैं तो मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया जाता है, आबकारी विभाग आबकारी घोटाले को लेकर। उसके बाद अगर उद्धव की बात करी जाए तो उनकी पार्टी तोड़ दी जाती है। बिहार में आप देखिए किस तरीके से चीजें नजर आ रही हैं, तेजस्वी यादव और लालू यादव के खिलाफ जो है वो एक बड़ी जांच बिठा दी जाती है। यानी कि शायद कोई ऐसा राज्य बचा होगा जहां पर बड़े नेता जो है वो सीबीआई और ईडी के शिकंजे से बचे हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो सिर्फ अखिलेश यादव पर इस तरह का शिकंजा जो है वो नहीं कसा गया। हालांकि शिवपाल भी ये कह चुके हैं, हमारे पास भी कभी भी सीबीआई और ईडी का सम्मान आ सकता है। अब इस मुद्दे को लेकर जो राजनीति हो रही है उसमें आपको बता दूं कि सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके क्या लिखा। उन्होंने कहा कि पूरा देश आपके साथ है, खौफ के इस दौर में आपने बहुत साहस दिखाया है, वो कायर है सीबीआई के पीछे छिपा है। जब जब इस महान देश पर संकट आया तब आप जैसे लोगों ने साहस दिखाया है और उससे मुकाबला किया है। वो अनपढ़ है, भ्रष्ट है, गद्दार है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आगे बढ़ो, प्राउड ऑफ यू सर। इस तरह की बातें जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मलिक ने दावा किया था कि 23 अगस्त 2018 और 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान फाइलों की मंजूरी देने के लिए उन्हें बतौर रिश्वत 300 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई थी, लेकिन वो पैसे उन्होंने नहीं लिए। सूत्रों के मुताबिक मामला रिलायंस इंश्योरेंस के मुद्दे से संबंधित है, जबकि केंद्र योजना के लिए हरी झंडी चाहती थी, इसे जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रद्द कर दिया था। मलिक के मुताबिक ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना थी। मलिक ने यह भी कहा था कि योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों की हालत खराब है, अब सीबीआई आगे की कार्रवाई तय करने के लिए और जानकारी मांग रही है। पता चला है कि अगर मलिक के दावों में दम पाया जाता है तो सीबीआई मामला दर्ज कर सकती है, अन्यथा नहीं। ये जो मुद्दा है काफी ज्यादा गंभीर है। देखिए, अब अगर बात करी जाए तो क्या मोदी सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक मुद्दों में राहुल गांधी का समर्थन केजरीवाल नहीं करते, केजरीवाल का समर्थन राहुल गांधी नहीं करते, लेकिन सत्यपाल मलिक बीजेपी के हैं, उनका समर्थन तमाम राजनीतिक पार्टियां जरूर करेंगी। इस मुद्दे को लेकर और भी आगे जो भी अपडेट हमारे पास आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। नमस्कार।